इनके टूटने से सीता का विवाह होगा और सीता का विवाह होगा तो एक व्यक्ति का राजा जनक का हित नहीं सबका हित होगा। यही विवाह अति हित सभी का सबका विवाह। चलिए आपने और यात्रा की बोले राजा जनक को प्रमेय परिवर्तन कर लेना चाहिए आंशिक। यदि प्रमेय परिवर्तन हो गया तो फिर वो प्रण का है। जहां प्रमेय परिवर्तन हो गया तो फिर प्रण कैसा, क्योंकि आज तक जितने भी प्रण किए गए या प्रण हुए हैं उनमें परिवर्तन नहीं हुए, क्योंकि प्रण कर लिया गया कि हम ऐसा करेंगे हो जाए तो ठीक और ना हो जाए तो ठीक। अभी समय सीमा शेष है इसलिए आप ये चर्चा न करें। हाँ एक घोषणा आपने की बोले अगर किसी ने अजगर को हाथ लगाने की कोशिश की तो क्या करेंगे, बोले हाथ काट डालेंगे। चितनों के काटे ये श्रीमान जी लोग कहते हैं और करते हैं कभी नहीं किया। एक इनके द्वारा अभियान चलाया गया था धर्म को निर्मूल करने का, जैसे हो धर्म निर्मूला सो सरकार में प्रतिकूला। धर्म को निर्मूल करने का जो इनके द्वारा अभियान चलाया नहीं कर पाए तो जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। श्री राम जी यही मैं रुक रहा हूं, आप यात्रा करिए। युवराज बाला साहब जी हमने योगी को मात्र परामर्श दिया, हमने परामर्श दिया कि आप योगी हो, योग के द्वारा ही पर की खोज कर सकते थे, इसके ही को क्यों आपने बलवीर जी पर चढ़ा दिया। चलिए कोई बात नहीं, कन्या का विवाह है, हमने योगी से कहा था कि हम तुम्हारे सहयोगी कहा था, आपने सुना ठीक है। हम अवरोध नहीं पैदा करेंगे, हमने अपना पक्ष रखा योगी से कि आपके द्वारा जो प्रतिज्ञा की गई है योगी के द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि यहाँ राजसभा बैठा हुआ है, इनके द्वारा जो बीच जो है इस राजसभा के अंतर्गत जो तोड़ देगा धनुष को उठा देगा प्रत्यंजा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। यह दूसरे शब्दों में कहे कि तो बुराई को दंड कठोरा हमें योगी के द्वारा नहीं बताया गया, मंडी के द्वारा नहीं बताया गया। लेकिन हमने जानकारी प्राप्त कर ली है कि एक सूचना है यहाँ पर सो बुराई को दंड कठोरा और राज समाज आज के तोड़ा तमन जय तो एक बजे ही ही विचार बड़े हटते ही जो झोपालों के लिए युवराज महाराज हो बहुत अच्छे युवराज हो हमारी बात समझो। हमने कहा क्या है, हमने रोग की बात नहीं की विचार, हमने इसमें परमे परिवर्तन की बात की है। और जब आदमी स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है वो आपने सारी बातें छोड़ दी, स्वार्थ के जब पशीभूत हो जाता है तो उसको अपना निजी स्वार्थ दिखाई देता है। टूटने की बात क्या वस्तु विश्व के पूजने उसके पूजा करने होगी, जो विश्व वस्तु विश्व की रक्षणी है उसकी रक्षा करनी होगी। तो बात चल रहा काल तक उत्पन्न वस्तु जो होती है वो प्रकृति के नाटक पर नष्ट होती है, जिसका निर्माण हुआ है उसका विनाश होना है, जिसका जन्म हुआ है
उसका अनुमान लगा। योगी के बाद हमें बताया गया ये 11-29 दिवस हो गए इस आयोजन को चलते हुए, आज इसका अंतिम दिवस है। तो हमारा कहना था कि यदि आज किसी वीर के द्वारा न भाया गया न ही तोड़ा गया तो व्यापारी रहेगी, कोई नहीं रहेगी। अगर कोई वीर नहीं उठाते तोड़ा नहीं उठाया नहीं गया तो उसका कोई रहेगी। आज ही तो अंतिम दिवस है, यही तो आज हमने अपनी ओर से कोई वार्ता नहीं रखी है। हमने तो इस वार्ता में जो उन्होंने बताया उसने अपना पक्ष रखा और कैसे कन्या के विवाह में सहयोगी की भूमिका निभाते हुए, ठीक है, सहयोग में कहा कि सहयोग की बात माना होना चाहिए। सहयोग की बात तो मैंने कहने ही कहा, हमने अपनी भूमिका निभाई है सहयोग की। नहीं क्या कारण है तुम लोगों की समझ में नहीं आता है भाई बाला तो। जब तक प्रतिज्ञा हम आपसे भी कह रहे हैं कि जब तक इस प्रण में परिवर्तन नहीं होगा, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तजावास मित्र गए जाऊं और लिखा न दिव्य देह विवाहू, ये स्थिति आ जाएगी तब प्रण रहेगा या नहीं रहेगा। पर आप कहते हैं प्रण बनवा नहीं जाएगा, और अगर बनवा गया तो क्या होगा, आपने पास समय चीज है, इधर बहुत अच्छी बात है, इधर बहुत अच्छी है, एक चर्चा समय शेष है, बहुत अच्छे हो तुम भी विद्वानों की श्रेणी में आते हो। यदि लड़का दशानंद चार वेद 7-18 पुराण का ज्ञाता है तो चार वेद 6 शास्त्रों में आप भी पारंगत हो, तो आप बता दीजिए कि समय कब आ जाएगा। हम यहाँ बैठे हुए इस पर बैठे भी नहीं, हम यही खड़े रहेंगे, आप समय बता दीजिए कि वो समय कब है। आपने कहा समय शेष है, यही तो थी समय शेष है तो समय बता दीजिए कि अमुक समय पर एकता जिनको अमुक उठा देगा अमुक खंडन कर देगा। तो मैंने बेटा एक बात रखी थी कि मैं उनको देखना चाहता हूं, कौन है सीता का दूल्हा, मैं भी तो देखू। मेरी बात ये थी, राज बड़ा सब कहना चाहिए। चलिए आप कह रहे हैं कि समय बता दो, मैं भविष्य वक्ता नहीं हूं कि समय बता दो। हाँ, मैंने ये कहा था कि जो प्रण किया गया है उस प्रण की समय सीमा अभी बाकी है, अभी शेष है समय सीमा, पूरे एक वर्ष के लिए प्रण है और अभी एक वर्ष में एक दिन राय लगने वगैरह शेष है, ये जो अंतिम दिन है आज, तो जब ये दिन समाप्त हो जाए ये बात लागू हो सकती है। चलो आप खड़े हो जाए तो आप कम से कम 30-40 तक पैगामा कराए। वाह वाह वाह, आपने कहा ये बीच होता रहे थोड़ा थोड़ा हास परिहास, यहाँ बैठे लोगों को आनंद भी आता रहे। आपने कहा हमको राजा जनक के सहयोगी बनकर प्रस्तुत हुए हैं, बढ़िया सहयोग कर रहे हैं राजा। ये तो कोई ये राजा का प्राण है, और कहीं तो किसी ने तोड़ने की चेष्टा की उसके हाथ काट डालेंगे, ये इनका सहयोग है। राजा जनक के प्राण के विरोध में ये खड़े हैं और कह रहे हैं राजा जनक का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा हाँ, मान इसलिए हम लेंगे कि ये सहयोग कर रहे हैं, हो सकता है लंका में फिर सहयोग किया जाए, वर्तमान की करूंगा और भूत की करूंगा। आपने कहा कि समय मैं समय नहीं बता सकता, हाँ लेकिन
भाग से अधिक, भाग से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं होता। समय आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आपने कहा राजा जनक जब तक प्रलय परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ये देखिए चर्चा भविष्य की है, पर फिर भी अभी की स्थिति में राजा जनक अधीन है तो राजा जनक अधीन ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो सुना आपने उसको अभी प्रमाणित किया था। राजा मानता हूं कि इसी से इसी के आधार पर राजा जनक का प्रण पूरा होगा। चलिए एक बात आपने और कही, थोड़ा थोड़ा मैं आपके हर बात छूआ कि थोड़ा थोड़ा हाँ बोले। मैंने कहा था कि राजा जनक का स्वार्थ नहीं, राजा जनक बोले स्वार्थ के बसीब होकर, क्योंकि राजा ये खींचा तो नहीं हुआ करो बेटा, हम जानते हैं कि नहीं तुम नदीवक हो और रिश्ते में हम तुम्हारे कुछ लगते ही दादा जरा हाँ सावधान रहना किससे, ऐसे नदीवकों से समझ लेना सारे बुद्धे लोग समझ लेना, ऐसे नदी से सावधान रहना। क्यों कि पता नहीं ये चरण स्पर्श कर रहे हैं या चरण पकड़ के खींच रहे थे मारे पटक दे, तो ये अपराध बाड़ा सो हमें चरण हमें खींच करके पटकने का प्रयास कर रहे हैं। अपराध बाड़ा सो इधर उधर मत ले जाओ, हमारी वार्ता को न ले जाओ बेटा, हमारे हमारी तुम बहुत अच्छे वालों को हम जानते हैं, लेकिन हमें भ्रमित मत करो। क्यों कि तुमने कहा समय शेष है, तो व्यक्ति को जब ज्ञान होता है तभी तो कहेगा, जिसको ज्ञान होगा तभी तो कहेगा। तो हमने कहा बात ही बदलवा दो कि समय शेष है इसका समय कम आएगा, और तुम्हें ज्ञान हो तो बेटा तुम ही बदला दो किसके द्वारा इसका खंडन होगा। खंडन का विरोध नहीं किया, कन्या के विवाह के सहयोग हेतु हमने अपना परामर्श रखा है। अभी आपने कहा कि हमको भूत का और भविष्य का ज्ञान आपके द्वारा ही समझ रखा गया कि हमको भूत का और भविष्य का ज्ञान है, और युवराज बाला सुर हम कहते हैं कि रावण को तीनों कामों का ज्ञान है। अर्जुन है रावण भूत भी जानता है, रावण भविष्य भी जानता है, और रावण है हमको मालूम है कि क्या है वर्तमान भी जानता है। आप वर्तमान का ज्ञान रखते हैं, आप भूत का ज्ञान रखते हैं, भविष्य का ज्ञान नहीं रखते, कोई बात नहीं युवराज। तुम्हें सदभाव है इसके लिए कि हमें तुमने कहा कि हमें भविष्य का कोई ज्ञान नहीं है, सदभाव यद्यपि हमारी दृष्टि में तुम उत्तम कोटि के ज्ञानी हो, हमने भी कहा था, लेकिन तुमने कहा हमें भविष्य का ज्ञान नहीं है, तो रावण को भूत का ज्ञान है, रावण को वर्तमान का ज्ञान है, रावण को भविष्य का ज्ञान है, और भविष्य के ज्ञान को सोचते ही सोचने के कारण ही उन्होंने बाला सुर हमने ये पक्ष रखा था। हाँ आप हैं कैलाश यादव जी के द्वारा
10 मुद्राएं बांसुर के चरणों में और 10 मुद्रा थी रावण जी के चरणों में सादर समर्पित शाल हुआ। रावण जी क्या करेंगे इसके अंदर तो सोने की लंका है। हाँ बेटा युवराज, पुरस्कार के लिए सोना से मूल्य नहीं रखा जाता है, पुरस्कार का कोई मूल्य नहीं, वो सम्मान है, सम्मान की कोई तोड़ नहीं है। ये इनके द्वारा सम्मान किया गया है, हमारे बहुत सुंदर सम्मान करने वाले हैं के द्वारा सम्मान किया गया बेटा, तुम्हारा भी और हमारा भी, तो हमें तुमको थोड़ा आशीष देना चाहिए। रावण की लंका सोना की है और तुम्हारी नगरी दानियों की है। भाई दानियों में श्रेष्ठ है ना, राजा फल दानियों में सर्वश्रेष्ठ है, और अगर हमारी लंका सोने की है तो न तुम्हें जैसे न तो तुम्हें उससे क्षमता करना चाहिए ना ही पिता की क्षमता करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ हो बेटा, अच्छी बात है, साधु बात है तुम्हारी बात के लिए, लंका सोने की है चलो तुमने स्वीकार कर लिया। देखिए हमने स्वीकार कर लिया लंका की सोने की तो है, लेकिन तुम्हारा संदेश तुम्हारे के पिता के द्वारा दान जो दिया गया है उस दान की श्रेणी में कोई भी व्यक्ति वर्तमान में कोई भी नहीं है, तो दान स्वीकार करे और कैसे करे सुनो बेटा, हर सब व्यक्ति को सब आशीष देना चाहिए, जिस व्यक्ति ने तुम्हें और हमें पुरस्कृत किया है। हमारा कथन ये नहीं था, हमारा कथन हम एक वार्ता पर द्वारा बात नहीं करना चाहते, सत्यता तो संवाद में एक प्रसंग जब समाप्त हो जाता है तो उसको छोड़ करके दूसरी बात करना चाहिए। हमारी तुम्हारी ये वार्ता तीन बार तीसरी बार है, हम इसको नहीं रखना चाहते, बराबर था चलो कोई बात नहीं होगी, नहीं माना था योगी ने हमारे परामर्श को नहीं माना, वो आपने दिए हमारे आपकी निर्माण को स्वीकार करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तुमने कहा हमें भूत का और वर्तमान का ज्ञान क्या है, भविष्य का ज्ञान नहीं है, तो हमें भविष्य का ज्ञान है तभी तो मैंने सुझाव रखा था, लेकिन आपने उसको झूठा प्रतीत इतिहास पढ़े और महात्मा योगी तो की क्या कहे हैं। अरे योगी जिनकी बात करते हो, जिनको खटवांग के द्वारा ये प्रभु साक्षात्कार करने में एक पहर भी था और महात्मा श्रीरथर के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, ये कहना चाहिए था, ये हमारा सुझाव था, हमारे किसी सुझाव को आपने नहीं माना, बाबा है श्रीरथ ने नहीं माना, वो आपने बड़े बाबा चलो कोई बात नहीं हो रहा है, तो यादव यूट्यूब पे वीडियो बनेगी, एक ये बन नहीं है इसके बाद एक वीडियो और फोटो अगर नेग भी कहीं कट जाती है तो वैसे हमारी इच्छा वीडियो बनाते डालते हैं गांव को ने बिठावा जब हमको कोई विद्वान देता है, हमारे हृदय के तारों को जब कोई व्यक्ति छेड़ता है तो रावण पीला बजाने में रावण पीला का भाजक बहुत बड़ा है। कंप्यूटर अपने आप तार करते हुए लगते हैं, गदगद हो जाता है जब तुम्हारे जैसे योग्य हमारे सामने आते हैं। हाँ हम ये चाहते हैं कि वार्ता चलने दीजिए, अभी थोड़ा सा थोड़ी आती 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 आती
हमारा स्पीकर पे लगा यही नाम है, एक वार्ता भी स्पीकर पे लगा यही कहीं, क्योंकि इसमें वीडियो आ रही ना तो इसमें निकाल के मैं यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर रहे हूँ, चैनल बड़ा बात ये कौन चुका बड़ा बार है यूट्यूब पे बड़ा है लेकिन सत्यता को स्वीकार करिए, सत्यता को स्वीकार हमें भी करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। जब समाज होता है, जहाँ समाज दिखाई देता है वहाँ आनंद होता है, वक्ता को आनंद आता है बोलने में, आपको भी आनंद आएगा और हमको भी आनंद आएगा। लेकिन विडम्बना की बात कहिए बेटा, युवराज महात्म से विडम्बना है हमारी हमारी आपकी, हम लोगों का इस स्थल पर आगमन होता है, प्रारंभ हुआ यहाँ से और यहाँ से दूसरा पर अच्छा काम चालू हो गया। कौन सा मान वो क्या होता है, मैं दुनिया में बोल रहा हूँ तब करे अब ये नहीं चलता, अब तो जवानी पाली मांगती है, ये चलता है अब तो। अब देखो तुम्हारी जवानी को पानी आज मनवा देंगे, इसमें धोखा नहीं है। जवानी पर बच्चा लगा दो बेटा पानी, जवानी पर धार रखने की ये कर रहे हैं। अरे हमको यहाँ व्यवस्था ऐसी है, तुम्हारी थोड़ी सी बात कट रही है, तुम हमारी जवानी पर धार लगा रहे हो। इमरान मेरी आयु पर कितना तुम आओगे, इससे हट करके कह रहा हूं थोड़ा सा, मैं स्वीकार कर रहा हूं। हाँ 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 हाँ, इससे अड़सठ वर्षों में भी आपको कहीं त्रुटि है दिखाई दे रही है, कहीं असत्य कहना है, तो आप हमारी जवानी पर बेटा धार लगाने वाले एक ऐसे बालक पैदा हो गए जिसको बहुत अच्छी बात है, हमारी जवानी पर धार लगा दो, ये तो अच्छा ही है, हम तो चाह रहे हैं। वैसे हम ये चाह रहे हैं धार को लगा रहे, धार को नहीं लगा रहे, कान क्या मान, ये हम बस धरे धरे घूम रहे हैं, आंखें थक गई हमारी, रास्ता देखते देखते लेकिन उसके दर्शन नहीं मिले। एक बार केवल दर्शन मिले मेरी मुक्ति प्रहार के से वाहन समेत गर्द हो गया, पृथ्वी पर लौटने लगा गांव के सहित, एक बार मेरे सामने आया है मेरे मुख्य प्रहार से पृथ्वी पर लौटने लगा, तब से लेकर राजे हम जाके थक गए, हमारी भरा तो देखते देखते हमारे सम्मुख नहीं आया, तो जवानी पर धार लगा दो, बहुत अच्छी बात है, लगाओ बड़ा धार, अच्छी धार लगाना अच्छा। हाँ चलो, आपने कहा था मुझे, हमने तो केवल राजा जनक के को परामर्श दिया था, राजा जनक ने हमारा परामर्श स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं ये तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि अब मैं तुम्हें जो परामर्श देने जा रहा हूँ उसको तुम मानोगे। देखो एक बात बताओ, जो कुछ तुमने किया होगा इसको ऐसे पकड़ लो वो ठीक है, लंका के पकड़ खाली पकड़े रहा है, यहाँ रखना, अच्छा यह है मिथिला, अच्छा यहाँ रहना हो उसमें,
ये पता क्या करेंगे? अच्छा बताए उठाने की व्यवस्था जो जैसा हो उससे वैसे प्रस्तुत हो ना दिखा ये बड़ा हाँ बढ़िया चमक अभी हमने आपसे क्या कहा? सतर्क खड़े हो जाओ, व्यवस्था सही पा गई। अरे वही व्यवस्था हो रही है, हमने अंतिम तो नहीं कहा, गलत तो नहीं कहा। देखो एक द्वारा व्यवस्था करती गई कि नहीं करती गई कि हम तुम्हारी धार हो मेरा ये हमारी जवानी पर धार भरने की व्यवस्था है। कितनी सुंदर धार भरी जा रही है युवराज बाला सुर के द्वारा हमारी जवानी पर। युवराज बाला सुर ये आंखें न दोनों हमारे सामने नहीं क्या कर लोगे? हाँ बता रहे वही बातें कह रहा हूँ कि आंखें न दोनों हमारे सामने जितने भी आंखें तानी है बेटा अंधरा हो गया हमारे में उड़ गया आज तक अता पता नहीं होता। तुम ये दिखा रहे हो हाँ क्या है चमक रही है देखो कितनी चमक रही है आपको दिखाया था आपको दिखाया उन्होंने ये चमकने वाली व्यवस्था मात्र मेरे पास है वो आपके पास कौन सी व्यवस्था है आपके पास वो व्यवस्था है आपको भोले बाबा ने वो व्यवस्था दी है और हमें भोले बाबा ने यह व्यवस्था दी तो अपनी अपनी व्यवस्था की बात करो अपनी अपनी ठीक है। और तुमने कहा कि हम पत्थर उठनेंगे तो हमने कहा कि आंखें बंद करो जितने भी आंखें पानी है वो अंधा हो गया हमारे पर प्रहार की ठोकर से धूल बन गया क्रोध की आंधी में उड़ गया आज तक उसका आता पता नहीं है मिथिला में छुप जाओगे और हम कहीं भगने की बेटा पत्नी गली से भाग जाओगे क्यों क्योंकि ये दस सुंदरियों की तेज है ये दस सुंदरियों की तेज है ये नंकारा की धारा है वो मेरी फीस जीवन बच सका जिसने इसका मुख सारा है ये फर्क छोटी है भूली भीगे वालों की फीस नहीं और मेरी सावन के
ये लोहा मंगल हमारा छीन ले, ठीक है। और हम इनकी क्या करेंगे, जय जगदीश हरि, तब हम क्या करेंगे, हम उनकी आपकी तारीफ, ये हमारा लोहा मंगल छीनेंगे, लंका से मार करके भगा देंगे, तो हम इनकी आपकी तारीफ। लेकिन उसमें कौन तुमने कहा कि हम मार कर भगा देंगे, और तुमने कितने मारे हैं सबको अड़का था, यह तुम्हें हमने आपको प्रत्युत्तर दे दिया। हमारे मारने की व्यवस्था तो सभी जानते हैं, तीनों लोग जानते हैं। सबसे प्रथम, बहुत गहरी बात है, सबसे प्रथम हमारे एक वृद्ध नारी ने पैर की बात लात मार दी थी। सुना होगा आप लोगों ने, सुना होगा कि पृथ्वीराज ने रावण को पैर से पैर मार कर बाटी तो कहा गया समुद्र हो सकता। युवराज वो पृथ्वीराज और कोई अन्यत्र नहीं थी, अच्छे वाला मौसम पृथ्वीराज रावण की सबसे प्रथम प्रेमिका थी, सबसे प्रथम। और रावण के साथ समुद्र में जिस समय सब जाकर के तो हमारे साथ रही है क्षति, असुरों का आपकी भी व्यवस्था तो है, उसमें आप भी आ गया, उससे नहीं आप भी होंगे, हम अगर है आप भी होंगे, रूप बदलने में सक्षम अगर हम हैं तो आप भी है। उसने हमें रूप बदल करके हमसे मिली, और मिलने के बाद रावण के जीवन में सबसे प्रथम घटना थी, सबसे पहली घटना थी, रावण ने उसके जिस राजा ने उसका पद कर दिया, किसने कर दिया, बच्चनाथी, और उस बच्चनाथी की को मैंने मौत के घाट उठाकर अपनी प्रथम पेशी का बना दिया। हमारे ससुर मैदाना जिनकी पत्नी हेमा को नकराक्ष ले गया बरियाई, रावण ने जिस समय मंदोदरी के साथ विवाह किया, मैदानम ने हमें बताया कि हम अपनी पत्नी के वियोग में बहुत पीड़ित हो रहे हैं, मैंने पता किया कौन ले गया है, तो उन्होंने बताया कि मेरी पत्नी हेमा को मकराक्ष ले गया है, मैंने मकराक्ष के समूचे सम्राट के तहत नष्ट कर दिया और हेमा को वापस ला करके मैं दाना को दे दिया। और ये क्षण आती है, लोग नहीं कहते पूछे हमारा तो नहीं, मुझ कुंभ का पुत्र पूछे बिचला का पुत्र पूछे का के माता पिता, पिता मुटकुंड और माता बिचला, जब विचला ने अपने दूसरे पति सुकेत के साथ चली गई जाकर के, और क्या किया उसने, अपने पति मुटकुंड का पद कर दिया। अपनी जीव से समाप्त करने की क्षमता रखता था, विदुर्जय ने हमारे साम्राज्य के में संयंत्र रचाया, साम्राज्य को हड़पने की व्यवस्था बनाई,
उसके तहत हमने विद्युत जय को बंद कर दिया। जब विद्युत जय नाम के हमारी सेना में अनेक सेनानी है, मैंने विद्युत जय के पैर के अंगूठे काट दिए और पैर के अंगूठे काट करके चिन्हित कर दिया। अरण्य को जिस समय अरण्य को नहीं मारा, अरण्य को मारा, अरण्य को हमने मारा, वो अरण्य को हमें साथ दिया कि हमारे ही वंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। अरण्य का सारे क्या को मैंने लूट लिया और लूटते समय हमें क्या मिला हमें एक दर्शन की मूर्ति। बहुत अच्छी सुंदर साधुना साधुना नरसिंह की मूर्ति मिली, जिस समय मैं उस मूर्ति को लंका ले गया और लंका में जाकर के तो हाँ एक रहस्यवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई कि राज रण इसकी यदि पूजा नहीं हुई तो तुम्हारे लंका का सर्वनाश कर देगा, सर्वनाश हो जाएगा। मैंने अपने भाई विभीषण को उसकी पूजा अर्चन बंधन हेतु नियुक्त कर दिया लंका में। आपने कहा धर्म निर्मूला इच्छा की बात रखी थी, तो उसका उत्तर यह है कि धर्म निर्मूल की बात नहीं है, हमारा अभियान है। अभियान के तहत मैं कार्य कर रहा हूँ, जो भी हमारी शरण में आ जाता है उसे स्वयं रक्षा भी अभय दान प्राप्त हो जाता है, और जो हमारी हमारी पराजय स्वीकार नहीं करता है उसका अंत हो जाता है। इसी तहत हमने धीरेश्वर को नियुक्त कर दिया और हमारी लंका ने बराबर पूजा पाठ कर दिया। अच्छी बात है, ये आप हैं साहब सिंह यादव जी के द्वारा दस पुष्प मुद्राएं श्री बाणासुर के चरणों में, वह दस पुष्प मुद्राएं रावण जी के चरणों में सादर समर्पित, साथ ही साथ नरेश इनके द्वारा दस मुद्राएं बाणासुर के चरणों में और दस मुद्राएं श्री रावण जी के चरणों में सादर समर्पित साध हुआ। देखो एक क्रम है, कभी भविष्य बोलो, कभी स्वरूपों को बोलो, तो चरणों अगर हम लोगों का क्रम हो बस मैं वही इतनी और मैं तो कब से इतनी प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्योंकि समय सूचक है कि हमें वाद कर रहा है। ये हमने क्या कहा था कि उनके लिए आपके पास समय है, हमारे लिए समय नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारे सामने जब ऐसे बालक आते हैं तो मेरे पहले कह दिया था कि ये इन्होंने दस मुद्राएं सारा समर्पित की शार हुआ। भेजना है यदि सुनिए महात्मा जी, भेजना एक 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 थर्मल भेजना है तो उनको भेजो, उनको भेजो जिसकी हम खोज में लगे। ये बात अब हमको बोलने दे, देखो कहीं ना कहीं हम भी इसमें तुम्हारे सहभागी हो। तो हाँ
लुकेरे हैं ये दर्शन की प्रतिमा मिल गई, प्रतिमा ले गई ये चले गए। उस प्रतिमा ने इन्हें स्वप्न दिया कि हमें उठा कर आए हो, लेकिन हमारी पूजा करो, यदि हमारी पूजा नहीं हुई तो हम लंका का सर्वनाश कर देंगे। अब इतनी आगे समस्या, तो छोटे भाई को लगा दिया, तो इसका मतलब हमारी समझ में ये आ रहा है, मैं बार बार कई बार एक शब्द दोहरा चुका हूं एक वाक्य, कि जो जैसा होता है वैसे करता है। श्रीमान जी की घोषणा तो है शायद ही कोई स्वीकार करे, लेकिन ये रावण